देखो रिसेंटली मैंने एक दो दिन पहले 60,000 में मिलने वाले सबसे लेटेस्ट 13 जनरेशन के इंटेल लैपटॉप्स पे डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। लेकिन एक और चीज है, देखो 50,000 का भी जो बजट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द यूजर्स अपना सबसे पहला लैपटॉप आज की डेट में 50,000 का बाय करते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट 13 जनरेशन के प्रोसेसर हमें 50,000 के अंदर नहीं मिलते, उसके अंदर भी मिल जाते हैं। जो प्रोसेसर हम आज चेक करने वाले हैं, i3 का 1315U, i5 का 1335U और i5 का 1340H, इन तीनों प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। एंड हर एक पर्पज के लिए ना इन तीनों में से अलग प्रोसेसर यूज होगा, तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर ध्यान से देखना है ताकि आपको ये चीज पता हो कि 50,000 रुपए के अंदर मेरे लिए सबसे बढ़िया लैपटॉप कौन सा रहेगा। सबसे पहले Acer Inspire 5 लैपटॉप, ये मेरी वीडियो का सबसे सस्ता लैपटॉप है, 39,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। आप में से जितने भी यूजर्स का एक्जैक्टली बजट 40,000 रुपए है ना, ये लैपटॉप आपके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन रहेगा। टॉप लेड एल्युमिनियम की मिल जाती है, i3 का 1315U प्रोसेसर दिया गया जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है 6 कोर 8 थ्रेड्स के साथ। एंड ये जो प्राइस रेंज है ना 40,000 की, इस बजट के अंदर आपको इससे बढ़िया दूसरा कोई प्रोसेसर नहीं मार्केट के अंदर मिलेगा। इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो 10% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आ जाती है 12-15 यूके कंपैरिजन में, जो कि इसकी पुरानी जनरेशन का प्रोसेसर है। एंड देखो बढ़िया चीज ये है कि इसकी जो रैम एंड स्टोरेज है ना, एक तो वो हमें एक्सपेंडेबल मिल रही है, एंड दूसरी बढ़िया चीज है कि दोनों चीजें हमें लेटेस्ट मिल रही है। DDR5 रैम देखिए 4800 MHz वाली, एंड जो 512 GB की इसके अंदर हमें SSD मिल जाती है ना, वो Gen 4 SSD है। Gen 4 SSD की जो रीड एंड राइट की स्पीड होती है वो ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। एंड जो DDR5 रैम है वो भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देती है, इसके मेगाहर्ट्ज़ भी ज्यादा है। रैम इसकी एक्सपेंडेबल 16 GB तक, 15.6 inches की फुल एचडी IPS डिस्प्ले, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC, इंटेल के USD ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 50 Wh की बैटरी के साथ ही 65 Wh का AC अडैप्टर मिल जाएगा, जिससे अपना जो बैटरी बैकअप है वो 5 घंटे तक का मिल जाएगा हमें। 2 USB Type-A HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती है। लैपटॉप के अंदर में टाइप सी पोर्ट नहीं मिलती एंड बैकलेट कीबोर्ड भी नहीं दिया गया, तो इन सभी चीजों का आपने ध्यान रखना है। परफेक्ट लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। इसका जो बेस्ट पाइलिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा लैपटॉप चेक करते हैं, Asus का VIVOBOOK 15 लैपटॉप। इसका प्राइस भी 40,000 रुपए है एंड ये इस बजट का वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। देखो इसके अंदर भी हमें प्रोसेसर सेम दिया गया, i3 का 1315U, 6 कोर 8 थ्रेड्स एंड सारे बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो इसके स्कोर्स को चेक कर लो। लेकिन इस लैपटॉप के अंदर हमें जो एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं ना वो एकदम कमाल के मिल जाते हैं। बैकलिट कीबोर्ड दिया गया जो कि पिछले लैपटॉप के अंदर हमें मिसिंग मिल रहा था, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया एंड उसके बाद हमें 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की डिस्प्ले को हम जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हैं, फ्लैट भी हो जाती है इसकी डिस्प्ले। एंड दूसरी बहुत ही बढ़िया चीज हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाती है जो कि है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। देखो इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, दैट इज सर्टिफाइड। ब्रांड ने ऑलरेडी इसके ऊपर कुल 11 से 12 टेस्ट किए हैं, उसके बाद ये सर्टिफिकेशन मिलती है एक लैपटॉप को। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद 8 GB की रैम दे रखी है, एक्सपेंडेबल 24 GB तक है, 512 GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 inches की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC, एक्सटेंडेड डिस्प्ले जो कि इस पीरियड के हमें हर एक लैपटॉप के अंदर मिल जाती है, तो वही डिस्प्ले दे रखी है। ग्राफिक्स सेम है, इंटेल की USD ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड इसके अंदर हमें 42 Wh की बैटरी के साथ 45 Wh का अडैप्टर दिया गया। एंड अपना देखो बैटरी बैकअप तो सेम मिल जाएगा 4 से 5 घंटे तक का नॉर्मल यूजेज पे, लेकिन ये लैपटॉप अपना फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। फ्रॉम 0 to 60% इसकी जो बैटरी वो 49 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है, ये भी बढ़िया चीज होगी। एंड इसके अंदर हमें 3 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI, 3.5mm कॉम्बो, ये सारी बोर्ड्स मिल जाती है। हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस ब्रांड का, आप इसे जरूर कंसिडर करो। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला लैपटॉप है HP का HP 15। इसका प्राइस है 42,000 रुपीज। प्रोसेसर इसके अंदर भी हमें सेम दिया गया, 1315U, 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाती है। अब देखो ये जो लैपटॉप है ना, ये आपको दोनों डिस्प्ले साइज के अंदर मिल जाएगा, 15.6 inches की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, बट बिल्कुल ही डिटो स्पेसिफिकेशन के साथ, मतलब कि लैपटॉप HP का ही है। HP लैपटॉप 14 मिल जाता है हमें, उसके अंदर हमें 14 inches की डिस्प्ले मिल जाती है, 8 GB की रैम एक्सपेंडेबल, 32 GB तक, 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, इंटेल की USD ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। इसका भी देखो जो बैटरी बैकअप है वो बिल्कुल सेम है, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा हमें, 41 Wh की बैटरी एंड 65 Wh का अडैप्टर, एक USB Type-C जो कि डेटा ट्रांसफर का सपोर्ट करती है, 2 USB Type-A HDMI, 3.5mm जैक, उसके बाद बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है, टॉपरेट विद आर वॉइस कमांड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया। देखो जो मैंने अभी तक आपको तीनों लैपटॉप बताया ना, उन तीनों के अंदर आपको हार्डली कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस के सिनेरियो में। तीनों के अंदर एडिशनल फीचर्स का फर्क जरूर मिल जाएगा हमें। अगर एडिशनल फीचर्स को चेक करें तो Asus का लैपटॉप अपने लिए सबसे बढ़िया निकल के आ जाता है। Asus VIVOBOOK 15 मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाएगा, बट तीनों लैपटॉप एक दूसरे के ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं। परफॉर्मेंस आपको इन तीनों के अंदर सबसे बढ़िया मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़े पावरफुल प्रोसेसर वाले लैपटॉप चेक करते हैं, HP 15 लैपटॉप। देखो इसका जो प्राइस है ना वो 53-54,000 के करीब है, लेकिन टोटली वर्थ इट लैपटॉप है। अगर तो आपको ये लैपटॉप डिस्काउंट के अंदर मिल जाए फिर भी बड़ी ऑप्शन है, अगर आप सेम प्राइस पॉइंट पे बाय कर रहे हो फिर भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। i5 का 1335U प्रोसेसर दिया गया,
10 कोर 12 थ्रेड्स वाला 1335U एक तो i5 का प्रोसेसर हो गया एंड उसी के साथ ही लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया। 8GB की रैम एक्सपेंडेबल, 16GB तक 512GB की SSD व्हिच इज आल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इंटेल के RX ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में, एमएस ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप, बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, 2 USB टाइप ए, 1 USB टाइप सी, HDMI, 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। अब एक चीज का यहाँ पे आपने ध्यान देना है, देखो सेम लैपटॉप आपको बिल्कुल डिटो स्पेसिफिकेशन के साथ MSI का मिल जाएगा, MSI मॉडर्न 14 लैपटॉप, सेम लैपटॉप दिया गया है, प्राइस भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, 53,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिल जाएगा। लेकिन एक चीज का फर्क है कि जो MSI का लैपटॉप है ना, उसके अंदर में 16GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन HP वाले लैपटॉप के अंदर में 8GB की रैम पहले से मिलती है, वो एक्सपेंडेबल है 16GB तक। तो ये चीज टोटली आपके ऊपर है, आप किस ब्रांड के साथ जाना चाहते हो। मेरे अकॉर्डिंग HP का लैपटॉप आपके लिए ज्यादा बड़ी ऑप्शन रहेगा, बाकी आपको दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज Honor MagicBook X14 Pro लैपटॉप, ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड इसका जो करंट प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 51,000 रुपीज। देखो लैपटॉप में हमें मेटल की बॉडी मिल जाती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जो भी लैपटॉप हमें पॉलीकार्बोनेट या फिर प्लास्टिक की बॉडी के साथ मिलते हैं ना, उनके कंपैरिजन में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा, 13 420H, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला। सिंपल चीज आपको बताता हूं कि इस पीरियड का ये सबसे तगड़ा प्रोसेसर है, क्योंकि ये H सीरीज वाला प्रोसेसर है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ U सीरीज के प्रोसेसर चेक किए हैं। देखो U सीरीज का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर ना हम हैवी काम नहीं कर सकते, ना तो अपनी इसके ऊपर गेमिंग हो सकती है, ना ही हाई लेवल की एडिटिंग, या फिर हमने कोई भी हैवी काम करना है ना, वो U सीरीज के ऊपर नहीं होता, वो बना होता है नॉर्मल प्रोफेशनल वर्क करने के लिए। उसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है, उसका बैटरी बैकअप काफी बढ़िया हो जाता है फिर। लेकिन जो H सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं ना, उनका बैटरी बैकअप आपको अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन उनके ऊपर हम जितने मर्जी हैवी काम कर सकते हैं। उसके बाद 8GB की रैम मिल जाती है, 40-66 MHz वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, 512GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 14 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 100% sRGB, 300 निट्स की ब्राइटनेस, इंटेल के USD ग्राफिक्स, MS ऑफिस हमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएगा एंड इसके भी जो एडिशनल फीचर्स हैं वो कमाल के दे रखे हैं, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट, पावर बटन मिल जाएगा हमें इसके ऊपर, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, 30 मिनट के अंदर 45% बैटरी चार्ज हो जाती है, 65W का टाइप सी अडैप्टर दिया गया लैपटॉप में, 60W की बैटरी, भाई सेम चीज के 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा एंड ये मेरी वीडियो का सबसे लाइट वेट लैपटॉप है, सिर्फ 1400 ग्राम वेट है इसका। पोर्ट्स की बात करें तो 2 USB टाइप ए, एक फुली फीचर्ड USB टाइप सी, HDMI 3.5mm कॉम्बो, साथ में ईथरनेट, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो आप में से जिसने भी 50,000 के अंदर 13 जनरेशन का लेटेस्ट लैपटॉप बाय करना हैवी काम करने है, Honor का लैपटॉप आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। देखो सभी के बेस्ट लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दी है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, लेकिन मेक श्योर कि 40,000 से लेकर 50,000 के अंदर अगर आपने लैपटॉप बाय करना है, इन्हीं में से बाय करो, ये सबसे लेटेस्ट लैपटॉप्स हैं। अगर आपने दूसरे किसी भी बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, हर एक वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।